सनसनी ऑफ इंडिया। थाना पुल प्रहलादपुर पुलिस ने पार्किंग में खड़े ट्रकों से बैटरी चोरी करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन शराब और स्मोकिंग की लत में उनकी तनख्वाह कम पड़ रही थी, इसलिए शराब और स्मोकिंग की लत को पूरा करने के लिए क्राइम करना शुरू कर दिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान 27 वर्षीय जितेंद्र और 30 वर्षीय अभिषेक के रूप में हुई है। दोनों पुल प्रहलादपुर के ही रहने वाले हैं। दक्षिण पूर्व जिला DCP ऐशा पांडेय ने बताया कि दिनांक 21 दिसंबर 2021 को शिकायतकर्ता अरविंद नागर ने थाना पुल प्रहलादपुर में ICD पार्किंग में खड़े अपने ट्रकों की बैटरी चोरी की 2 FIR दर्ज करवाई। थाना पुल प्रहलादपुर इलाके में ICD कंटेनर डिपो पार्किंग में खड़े ट्रकों से बैटरी चोरी करने वाले चोरों ने ट्रक मालिकों, पार्किंग चालक और आसपास रहने वाले लोगों की नींद खराब कर रखी थी। बैटरी चोरों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए थाना पुल प्रहलादपुर प्रभारी राम निवास भाटी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राजेश, कांस्टेबल राजकुमार और कांस्टेबल विनय की एक टीम बनाई गई। जांच टीम ने सबसे पहले ICD कंटेनर डिपो पार्किंग और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इलाके में कबाड़ियों और पुरानी बैटरी खरीदने वालों पर नजर रखने के साथ साथ मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया। आखिरकार जांच टीम की मेहनत रंग लाई। टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि बैटरी चोरी करने वाले व्यक्ति ICD कंटेनर डिपो के पास घूम रहे हैं। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलने पर टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर बैटरी चोरों को दबोचने के लिए ICD कंटेनर डिपो के जंगल के पास अपना जाल बिछाया। थोड़ी ही देर में दो लड़के जंगल की ओर से आते दिखाई दिए। पुलिस कर्मियों को देखकर दोनों चोरी छिपे चलने लगे। मुखबिर का इशारा मिलने पर दोनों आरोपियों को टीम ने दौड़कर दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बैटरी चोरी की बात कबूल कर ली। आरोपियों की पहचान 27 वर्षीय जितेंद्र पुत्र किशन और 30 वर्षीय अभिषेक पुत्र लाल बहादुर के रूप में हुई। दोनों आरोपी पुल प्रहलादपुर के रहने वाले हैं। जांच टीम ने गिरफ्तार आरोपियों की सूचना पुल प्रहलादपुर थाना ड्यूटी ऑफिसर को दी और डेप्यूटेड IO मौके पर पहुंचे। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इनके पास से 2 ट्रकों की बैटरियां बरामद की गई हैं। लगातार पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने बताया वे शराब और स्मोकिंग के आदी हैं। वे नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी शराब और स्मोकिंग की लत को पूरा करने के लिए उनकी तनख्वाह कम पड़ जाती है, इसलिए शराब और स्मोकिंग की लत को पूरा करने के लिए क्राइम करना शुरू कर दिया। 27 वर्षीय आरोपी जितेंद्र पुत्र किशन निवासी पुल प्रहलादपुर ने 7वीं तक पढ़ाई की है। वो चाय की दुकान चलाता है। इसकी क्राइम हिस्ट्री है, यह भी पहले आबकारी अधिनियम के 2 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। 30 वर्षीय आरोपी अभिषेक पुत्र लाल बहादुर निवासी पुल प्रहलादपुर ने 5वीं तक पढ़ाई की है। यह ड्राइवर है, इसकी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।